स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यह प्रश्न क्लास 10 के साइंस से है, अर्थात विज्ञान से है, और यह है फिजिक्स से, अर्थात भौतिक शास्त्र से है, और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो क्लास तक जरूर दिखेगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका आप सटीक आंसर लिखेगा, वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिस कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश यानी कि आकाश में बादल नहीं, बिल्कुल साफ आकाश। तो यहां पे हम इसका आंसर लिखेंगे, वायुमंडल, क्या लिखेंगे, वायुमंडल, वायुमंडल में वायु वायु के कण बहुत बहुत छोटे आकार छोटे आकार के होते हैं वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिस कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आप समझ गए हैं, यदि पूछा जाए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी कि साफ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यदि हम आसमान में देखें और बादल न हो, बिल्कुल साफ हो, तो आसमान आपको नीला लगेगा, ऐसा क्यों? तो आप लिखिएगा, वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, यानी वायुमंडल में वायु के कण जो है बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, वे दृश्य प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा, इसके तरंग दैर्ध्य आप जानते होंगे, कोई वस्तु जो है कंपित करता है तो उसके द्वारा जो है कण जितनी दूरी तय करता है उसके कंपन से, उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित मतलब चारों ओर छिड़ियाना, यानी प्रकाश एक जगह पर पड़ा और चारों ओर छिड़िया गया, तो ये प्रकीर्णित हुआ। तो यहाँ पे नीले रंग के प्रकाश को जो है प्रकीर्णित किया, ठीक है, वे हम तक आया, ठीक है, जिस कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, और यही कारण है कि साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।